हेलो एवरीवन, आज देख सकते हैं हम लोगों का नर्सरी में कीड़ा मारने वाला दवाई स्प्रे किया जा रहा है, जो हर महीने में एक दफ़ा करके दवाई स्प्रे करते हैं हम लोग। आप लोगों का घर में जो प्लांट है उसमें भी हर महीना एक दफ़ा करके कीड़ा मारने वाला दवाई स्प्रे करें। कोई सा भी कंपनी का होगा तो चलेगा। कीड़ा अगर लग जाता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन दवाई स्प्रे किया जाता है, अगर ना लगे तो हर महीने में एक बार करके कीड़ा मारने वाला दवाई स्प्रे करें। उससे प्लांट हेल्दी रहता है और बहुत अच्छा रहता है, फ्लावर्स भी बहुत अच्छा करता है। और अभी हम लोगों का नर्सरी में बहुत सारा कस्टमर है, इसके कारण वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। वीडियो में आगे तक बने रहें, वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी देख सकते यहाँ पर देख सकते हैं गुलदाउदी का प्लांट है, जिसमें बहुत सारा बर्ड्स आया हुआ है, कलियों से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। गुलदाउदी प्लांट में बहुत सारा कलर पाया जाता है, जिसमें सफ़ेद बहुत खूबसूरत दिखता है, पीला भी बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें बहुत सारा कलर है, आपको कौन सा कलर पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सा कलर आपको पसंद है। इसका देख सकते हैं प्लांट का लुक कैसा है और कितना सारा बर्ड्स आया हुआ है। और ये प्लांट आपका 6 इंच का पॉट में हमारे पास लगा हुआ है। आप अगर इसको घर में लगाएंगे तो 8 से 10 इंच का पॉट में लगाएं। इसका 6 इंच का पॉट में अगर इतना ब्रांच आएगा, 8 से 10 इंच का पॉट में इससे ज़्यादा ब्रांच आएगा और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा अभी हमारे पास कलर्स है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। गुलदाउदी प्लांट का मेंटेनेंस बताएंगे तो आपका प्रॉपर धूप में रहेगा, 5 से 6 घंटा का धूप चाहिए इसमें, तब बहुत अच्छा से खिलता है। और पानी आपका 1 से 2 टाइम पानी चाहिए, ज़्यादा धूप रहेगा तो 2 टाइम पानी चाहिए, कम धूप रहेगा तो 1 टाइम पानी चाहिए। उसके बाद इसका फ्लावर का जो साइज होता है वो मीडियम साइज होता है, फिर कोई छोटा साइज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर है और प्लांट का जो ब्रांच है देख सकते हैं कितना सारा बर्ड्स है इसमें। और ये तो पैकेट में लगा हुआ है अभी। और इसका बर्ड्स बहुत नाजुक होता है, इसको उठाते वक्त या रखते वक्त बहुत संभाल के रखें, इसका बर्ड्स टूटता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पीला कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है कलर इसका, छोटा छोटा बर्ड्स है अभी, सफ़ेद कलर है छोटा सा, बहुत प्यारा सा है फ्लावर। और गुलदाउदी प्लांट जो है आपका ठंडा भर खिलने के बाद प्लांट को अगर रख देंगे तो 12 महीना जिंदा रहता है, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा से खिलता है। इस साल जितना खिलेगा उससे दुगना नेक्स्ट ईयर खिलेगा, अगर इसको जिंदा घर में रखते हैं।